तमाशा बना दिया, मैंने तो कभी इस तरह सोचा नहीं था। आप परेशान मत होइए, मुझे मोदी अंदर बिठा के यूं कहते हैं कि मैं तेरे जगह हम किसी और को चुनाव लड़ा रहे। आप देख रहे होंगे अखबार में डेली का एड भी देख रहे होंगे, सारे होर्डिंग प्लेग भाई सब कुछ मैं कर रहा हूँ, उसके बाद भी ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। बहुजन समाज पार्टी का एक सिपाही बनके, कार्यकर्ता बनके काम कर रहा हूं और भिन्न भिन्न पदों पर रहा हूं। माननीय बहन जी के दिशा निर्देश पर मुझे चरथावल विधानसभा का प्रभारी प्रत्याशी मनोनीत किया था पश्चिम प्रभारी शमसुद्दीन नाइन ने। चरथावल में प्रॉपर चरथावल में कार्यक्रम रखा गया था 2018 में 18 दिसंबर को मेरी घोषणा हुई थी, मुझे प्रभारी प्रत्याशी घोषित किया गया था। तो उसके बाद में लगातार मैं चौथा वर्ष शुरू चल रहा है काम कर रहा हूँ, रात दिन विधानसभा में अपना काम कर रहा हूँ, पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। अब मैं महीनों से लगातार राइन जी से संपर्क बनाए हुए कि मैं राइन जी को कॉल कर रहा हूँ, लेकिन राइन जी मेरे फोन का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। उसके बाद में माननीय अध्यक्ष जिला अध्यक्ष सतीश कुमार जी से मैंने बात करी, लेकिन सतीश जी ने मुझे कहा कि मैंने बात करी, उन्होंने कहा कि बात करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। आज हद तब हो गई जब कल मैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय मुजफ्फरनगर पर गया और जिलाध्यक्ष सतीश कुमार ने मुझसे कहा कि तुम 50 लाख रुपए का और इंतजाम कर लो। मैंने कहा अध्यक्ष जी मैं अभी कोई पेड़ पे पैसे नहीं लग रहे कि तोड़ के आपको दे दूंगा, मैं जाके अपनी माताजी से घर पे परिवार से मशवरा करके आपको बताऊंगा। मैंने वहां से आने के बाद में माताजी से मशवरा किया, माताजी ने कहा भाई हमारे पास अभी इतना वो नहीं है, लेकिन अगर तुझे चुनाव लड़ना है और तू इतनी मेहनत कर रहा है कोई बात नहीं, तू कोई प्रॉपर्टी एक सेल आउट कर दे, बेच दे और दे दे उनको पैसा। अभी फिलहाल 25 लाख रुपए दे दिए और 25 लाख रुपए जिस दिन तेरा पर्चा भरा जाएगा उसके बाद में दे दिए। मैंने ऐसे जो कि तू शब्द जिलाध्यक्ष सतीश कुमार जी को कहा कि आपको मैं 25 लाख रुपए अब दे दूंगा, जिसे मैंने इतना कहा था। इतना ही जिलाध्यक्ष जी कहने लगे अरे यार तुम फोन पे डायरेक्ट इस तरह की बात करते हो। मैंने कहा और कैसे करूं, मैंने कहा 25 रुपए कहूं कि हाँ 25 रुपए कह के बात कर लो। ये भी मेरे पास सबूत है, मेरे मोबाइल में मौजूद। उससे पहले जब माननीय पश्चिम प्रभारी शमसुद्दीन नाइन ने मेरी घोषणा की थी, पूरे मंडल के लोग मंच पर मौजूद थे, प्रेमचंद गौतम, सतप्रकाश और नरेश गौतम मुख्य कोऑर्डिनेटर, सभी लोग मौजूद थे, जिलाध्यक्ष सतपाल कटारिया जी उस टाइम के जो जिलाध्यक्ष थे सभी लोग मौजूद थे और चथौल में कार्यक्रम रखा गया था। उससे पहले माननीय नरेश गौतम मुख्य कोऑर्डिनेटर और सतपाल कटारिया जिलाध्यक्ष जी के साथ में मैं गया और शमसुद्दीन नाइन जी को मैं जो कैश था मुझे आदेश किया था मैं वो दे के आया हूँ। मैं लगातार इसी तरह एक बार मैंने 4.5 लाख रुपए दिए, एक बार राइन जी ने मुझे 50,000 तमाशा बना दिया, मैंने तो कभी इस तरह सोचा नहीं था। आप परेशान मत होइए, मुझे मोदी अंदर बिठा के यूं कहते हैं कि मैं तेरे जगह हम किसी और को चुनाव लड़ा रहे। आप देख रहे होंगे अखबार में डेली का एड भी देख रहे होंगे, सारे होर्डिंग प्लेग भाई सब कुछ मैं कर रहा हूँ, उसके बाद भी ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, 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 ठीक है।